हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, जय माता दी। कैसे हो आप सभी? अनुवंशियों की दुनिया में आपका फिर से स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, घर में बैठ बैठ के बच्चे भी बोर हो गए हैं और हम भी बोर हो गए हैं। और 5-6 दिन से इतनी मतलब लगातार से जो गर्मियां हो रही थी, तो चलो बारिश होने से उसकी राहत हुई है। तो बच्चों ने जिद की थी कि आप हमें कहीं घूमने ले चलो, तो हमें और कहीं तो हम जा नहीं सकते, तो फिर हम इन्हें घुमाने के लिए अपने खेतों में लेके गए थे। तो चलिए आज मैं बताती हूँ आपको अपने खेत किस तरह से हमारे खेत है और हमने अब यहाँ पे क्या क्या बीजना है। तो गेहूं की खेती हो गई है, अब धान की खेती लगेगी यहाँ पे। और यहाँ के जो खेत होते हैं बहुत ही सुंदर होते हैं, सीढ़ी नुमा जो होते हैं ये खेत होते हैं यहाँ के। और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, लोगों ने जो है यहाँ पे मक्की वगैरह लगा रखी है। खेतों में बड़े बड़े खेत होते हैं, वहाँ पे भी छोटी छोटी क्यारियाँ बना के लोग अपना सब्जी सब्जी जो भी होता है वो लगाते हैं। तो कितना अच्छा सा यहाँ का व्यू लग रहा है, देखिए कितना हरा भरा। यहाँ पे मक्की वगैरह और कद्दू, घिया, तोरी, भिंडी वगैरह सब सब्जियाँ यहाँ पे लोग जो है यहाँ पे ऐसे लगाते हैं। बहुत ही मेहनती लोग होते हैं गाँव के। और देखिए कितना सुंदर यहाँ। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई थी खेतों से, तो आज मैं आपको अपना न्यू किचन भी बता देती हूँ कितना काम हो गया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरे न्यू घर का न्यू किचन। तो अभी हमने जो है किचन ही रेडी किया है, क्योंकि न्यू घर में अभी हमें जल्दी से शिफ्ट होना है किचन में। तो धीरे धीरे और काम जो है प्लस्तर का और कमरों में, हॉल में मुझे जो ज़रूरत थी बहुत ही ज़्यादा किचन की, क्योंकि मेरा जो अभी जो मैं यूज़ करती हूँ किचन वो बहुत कंडम हो चुका है। और हमारा देवरानी और जेठानी का एक ही किचन है, तो बहुत बड़ा किचन है वो भी। तो मेरे साइड जो है वो गैर हो चुका है, तो बरसात के दिनों में वहाँ से पानी भी टपकता है और गर्मी भी बहुत लगती, क्योंकि वहाँ पे स्लेट पोस है, बहुत सालों का है वो, बहुत पुराना है। तो इसलिए हमने न्यू घर में ये पहले हमने किचन की तैयारी करवा ली है। तो इस तरह से जो है ये टाइल्स वगैरह लगवाई है, तो देखिए इस तरह से ये लुक लग रहा है मेरे किचन का। और आज ही कम्प्लीट हुई है ये पुट्टी वगैरह जो है वॉल में ये करवाई है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रहा